Evening students, welcome to Learners Academy. Yes, sir. Today we will solve question number 8 of exercise 12.3 and onward solution. Let me cut my routine. First of all, question number 8 is very important. Figure काफी easy दिख रहा है आपको ना, और एक बार जरूर question पढ़ लेते हैं. Figure 12.26 ये वाला जो figure है, depicts a racing track. ये क्या है? एक racing track देखी होगी? ये यहाँ जो देखी होगी? तो देखी होगी जिस ट्रैक पे भागता है वो रेसर. नहीं देखा कोई पीटी ऊषा को दौड़ते हुए या उसेन बोल्ट को दौड़ते हुए नहीं देखा क्या? तो वो जो ट्रैक होती है उसको रेसिंग ट्रैक बोलते हैं. जरूरी नहीं है कि रनर्स ही हों, जैसे कार रेसिंग भी होती है वो भी रेसिंग ट्रैक ही होता है. तो आपने होर्स रेसिंग जो भी है तो आपने देखो किस तरह की कोई ट्रैक होती है. जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने तो घूम के पूरा हमको कहाँ आना होता है? वापस यहाँ पे आना होता है. सबसे कम टाइम के अंदर है ना, ये रेसिंग ट्रैक. ठीक है, तो अब इस रेसिंग ट्रैक को थोड़ा सा अपन डिवाइड करेंगे. जितनी इजी है दिख रही है उतनी इजी तरीके से तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. तो उसको थोड़ा सा मैं डिवाइड करूंगा. देखो ये रेसिंग ट्रैक को मैं एक अलग फिगर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ध्यान से देखो, यहां से मैं अगर एक लाइन खींचता हूं जहां से ये घूम रहा है, जहां से घूम रहा है बिल्कुल एक्जेक्टली वहां से मैंने एक लाइन खींची, और यहां से जहां से घूम रहा है बिल्कुल एक्जेक्टली मैंने एक लाइन खींची. तो ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये एक रेक्टेंगल बन गया. यस सर. ये और एक अंदर भी रेक्टेंगल बन गया. बना और जो अगल बगल के ये जो किनारे हैं ये सेमी सर्किल बन गए. देखो अंदर वाला सेमी सर्किल, फिर बाहर वाला दोनों सेमी सर्किल की डायमीटर इस लाइन पे लाए करें, ये डायमीटर है इनकी. ठीक है, सिमिलरली इसको अगर डायमीटर कंसीडर करें तो ये एक सेमी सर्किल और ये दूसरा सेमी सर्किल. अब ये फिगर कैसा भी गिवन है अपन इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे. दैट मींस हम रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके ऊपर के बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे, इस वाले किनारे पे एक सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किल जोड़ेंगे आउटर और इनर, और इस वाले किनारे पर भी आउटर एंड इनर सेमी सर्किल जोड़ेंगे. ठीक है, बनाओ. ये बेकार है, फिगर हटाओ. बिल्कुल कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन इवन वाला है. अब अपन को कन्वर्ट करना है हमारे सहूलियत के हिसाब से. बिल्कुल बेकार था ये भैया. हाँ देखो, ये रेक्टेंगल क्या कहा मैंने, इसके आउटसाइड एक और रेक्टेंगल बनाना है. इसके आउटसाइड, इसकी जो लेंथ है ना इस रेक्टेंगल की, इस लेंथ के आउटसाइड एक और लेंथ बनानी है ऐसे, और फिर नीचे भी एक लाइन बनानी है. बनाओ दोबारा. हाँ उसके नीचे बना दो दोबारा. ठीक है, ये तो इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल दिख रहा है आपको. ये रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल और आउटर रेक्टेंगल दिख रहा है. मैं कहूँ इनर रेक्टेंगल कौन सा है तो आप क्या कहोगे? ये वाला इनर रेक्टेंगल, राइट? और अगर मैं कहूँ आउटर रेक्टेंगल कौन सा है तो बाहर वाली बाउंड्री वाला आउटर रेक्टेंगल हो गया, राइट? अब अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया निकालो, इस चीज का एरिया निकालो, इसका और इसका एरिया निकालो, कैसे निकालोगे? अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से, आउटर रेक्टेंगल में से अगर इनर रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दें तो ये वाला एरिया बचेगा, एक ये और एक ये, दो पट्टियां बच जाएगी ऊपर नीचे. समझ में आई बात? तो एक्चुअली रेसिंग ट्रैक तो यही है ना, एक्चुअली रेसिंग ट्रैक तो यही है. तो रेसिंग ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे? आउटर रेक्टेंगल में से ये इनर वाला, ये वाला रेक्टेंगल माइनस करेंगे. समझ में आई बात? अच्छा, अब ये तो हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन. अब वो घूम भी रहा है रेसिंग ट्रैक, यहां से भी और यहां से भी. तो ट्राई करो सेमी सर्कल बनाने की दोनों तरफ. मैं भी ट्राई करता हूं.
ठीक है बनाओ तेरी सर्कल भी बना सकते हैं मुझे भी वैसे नहीं बना पाऊंगा मैं वैसे बनाना पड़ेगा अच्छा लगने से मतलब नहीं ना जो चीज वहां पे कंक्लूड करनी वो कंक्लूड नहीं हो पाएगी सेमी सर्कल पूरा अंदर से अंदर मैच होना चाहिए बाहर से बाहर मैच होना चाहिए कोई कर्वी नेचर हो तो ठीक है नहीं तो हाथ से बना लेते हैं कहां ये चलो आप अपना काम करो चलो चलो फिर हाथ से बना देखो ये आउटर वाला सेमी सर्किल और ये इनर वाला सिमिलरली यहाँ पे भी बना आउटर एंड तो अब इसकी शक्ल वैसे चलती है थोड़ी बहुत जैसा रेसिंग ट्रैक है अपन ने रेसिंग ट्रैक को जो मैथमेटिकल फिगर्स है उसमें कन्वर्ट कर लिया क्योंकि रेसिंग ट्रैक का आइडिया हम कैसे निकालेंगे जब तक उसको मैथमेटिकल फिगर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो चलो अब रेसिंग ट्रैक कहाँ कहाँ है ये रेसिंग ट्रैक है कहाँ पे मतलब वो रनर कहाँ पे भागेगा यहाँ पे भागेगा इस जगह पे भागेगा यहाँ पे भागेगा और यहाँ पे भागेगा राइट इस वाले पोर्शन में वो भागेगा अमेरिका केवल जहाँ पे वो भागेगा उस ट्रैक का एरिया पे तो उस ट्रैक का एरिया निकालने के लिए आपको इसको तीन टुकड़ों में तोड़ना है एक पहला टुकड़ा ये और ये है ना ये वाले पार्ट का एरिया तो मैंने बता ही दिया आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल माइनस करो अब बचा ये वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन ले लो या वो वाला पोर्शन ले लो दोनों बराबर है तो कोई भी एक निकाल लो तो डबल कर लेंगे अब कोई भी एक कैसे निकाले सपोज करो मैंने कहा ये वाला निकालो तो ये कैसे निकालोगे आप आउटर सेमी सर्किल में से ये आउटर सेमी सर्किल है अगर इनर सेमी सर्किल माइनस कर दो तो ये एरिया बचता है भाई देखो ये आउटर सेमी सर्किल में पूरा एरिया और ये इनर सेमी सर्किल तो इनर सेमी सर्किल का अगर ये एरिया उड़ा दिया जाए आउटर में से तो ये वाला एरिया बचेगा समझ में आया और फिर कर देंगे उसका डबल डबल ऐसा कैसे यहाँ रहेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे हमें बेसिक ट्रैक का एरिया निकालेंगे अच्छा जी अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेड चाहिए और इधर सेमी सर्किल के एरिया के लिए रेडियस चाहिए तो देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइंस अंदर की पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी है बेटा 60 मीटर अब कहां है अंदर की दो पैरेलल लाइंस चेक करो अंदर की दो पैरेलल लाइंस मानी जाएगी ये वाली एक और ये दो ये इनर पैरेलल लाइंस हैं और ये जो बाहर वाली है वो क्या कहेंगे आउटर पैरेलल लाइंस तो इनर पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी कितनी बताई इसमें इन दोनों के बीच की दूरी रहती है ये वाली दूरी कितनी है ये तो ये 60 तो ये भी कोई डाउट आगे नहीं डाउट करते हैं एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग और वो दोनों लाइंस 106 मीटर लंबी हैं मतलब ये लाइन भी 106 मीटर लंबी है पैरेलल लाइन इनर पैरेलल लाइन और ये इनर पैरेलल लाइन भी 106 मीटर लंबी है तो ध्यान से देखो अंदर वाले रेक्टेंगल के डाइमेंशंस पता चल गए लेंथ 106 ब्रेथ 60 मीटर अगेन लेंथ 106 और अगेन ब्रेथ 60 लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे अब बात करते हैं आउटर की तो आउटर के लिए अगेन कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड अगर ट्रैक जो है 10 मीटर चौड़ी है तो ट्रैक की चौड़ाई का कौन सी मानेंगे हम ये वाली चौड़ाई ये चौड़ाई देख रहे हो ये कितनी है तो ये 10 तो ये भी और ये भी और ये भी 10 तो अगर ये टोटल ब्रेड्थ माने आउटर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ माने तो क्या होगा 10 और 60 70 और 10 80 यानी कि ये टोटल ब्रेड्थ कितनी हो गई 80 मीटर अच्छा लेंथ तो उतनी रहेगी 106 मीटर ही रहेगी लेंथ तो और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी आउटर रेक्टेंगल की 80 मीटर 60 तो बीचों बीच है 10 ऊपर है और 10 नीचे तो आउटर रेक्टेंगल इनर रेक्टेंगल दोनों की लेंथ एंड ब्रेड्थ क्लियर है अब बात करते हैं कि सर इनका क्या करें इनकी रेडियस तो इनकी रेडियस देखो ये डायमीटर है अगर मैं यहां से लेके यहां तक बात करूं तो ये इनर सेमी सर्किल की डायमीटर है कितनी है 60 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी आधी 20 मीटर
यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी रेडियस, कितनी हो जाएगी? तो इनर सेमी सर्किल की रेडियस मिल गई। अब बात करते हैं आउटर सेमी सर्किल, तो आउटर सेमी सर्किल की डायमीटर ये पूरी है, और ये पूरी कितनी लंबी आई थी अभी? 80 मीटर आई थी, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? ऐसे देख लो, नहीं तो अभी आपने इनर सेमी सर्किल की रेडियस कितनी निकाली थी? 30, उसमें ये 10 और जोड़ोगे तो टोटल कितनी हो जाएगी? 40 मीटर आ गई आउटर सेमी सर्किल की रेडियस, 30 मीटर आ गई इनर सेमी सर्किल, सब कुछ मिल गया। पहले गिवन पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क्स भी कर लेते हैं, देखो दिस इज 106 मीटर, जितना मार्क कर पा रहे हैं यहाँ से लेके आए। सिमिलरली ये भी 106 मीटर रहेगा फिर। तो आउटर रेक्टेंगल लो या इनर रेक्टेंगल लो, दोनों की लेंथ सेम आई है, ठीक है? अच्छा, यहां से लेके यहां तक ये कितना था? 60 मीटर, ये 60 मीटर है भाई। ओके, तो इनर पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है 60 मीटर, और उसके बाद ये विड्थ कितनी है? ट्रैक की विड्थ कितनी है? 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर हो गई। तो ये 60 और ये 10 और ये 10, तो ये आउटर पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी टोटल कितनी हो गई? ऐसा करने से 80 मीटर। तो हम काम आकर यहाँ स्पेस लिए, तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है? 80 मीटर। ये यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, लास्ट से लेके लास्ट तक ये दूरी 80। और सिमिलरली उधर भी हो जाएगी। अच्छा, ये अगर रेसिंग ट्रैक की विड्थ 10 मीटर है, तो ये यहाँ पे भी 10 मीटर ही रहेगी, इस जगह भी और इस जगह भी, हर जगह ये 10-10 मीटर रहेगी। तो ये फिगर ड्रॉ हो गया सभी का, ठीक है? तो अब गिवन पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। हियर क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले तो हमको गिवन है पैरेलल लाइंस की लंबाई 106 मीटर है ना, लेंथ ऑफ ईच पैरेलल लाइन, ईच मतलब कितनी पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, गिन के बताओ। 4 पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही है, तो हर एक पैरेलल लाइन की लंबाई कितनी है? पहले तो बताओ, 4 पैरेलल लाइन दिखाई थी सबको? देखो 1, 2 तो आउटर और 2 इनर, सबकी लंबाई सेम 106 मीटर, ठीक है? उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन इनर पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइंस ये भी गिवन है। ये कितनी गिवन है? 60 मीटर। और एक पॉइंट और गिवन है हमको, क्या? विड्थ ऑफ द रेसिंग ट्रैक दिस इज आल्सो गिवन एज 10 मीटर। ये तीनों पॉइंट्स हैं गिवन, तो इन तीनों के आगे चाहो तो हम कॉमन में लगा सकते हैं गिवन, या फिर ऊपर लिख सकते हैं हियर इट इज गिवन दैट, जैसे भी हो, ठीक है? ये तीन पॉइंट्स हमको गिवन है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब इन तीन पॉइंट से हम बाकी सारी चीजें इंफर करेंगे। सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाएंगे इनर एंड आउटर, ठीक है? सो लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या बनेगा? उसको मैं स्मॉल एल से डिनोट करा देता हूँ। दो रेक्टेंगल, पता है वो लेंथ तो सेम है दोनों की, लेंथ तो दोनों की सेम है, तो ठीक है स्मॉल एल से डिनोट करा देता हूँ, 106 मीटर बनेगा। अच्छा, ब्रेड्थ ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या बनेगा? बोलो 60 मीटर, इसको स्मॉल बी से डिनोट करा देते हैं, 60 मीटर। तो अगर लेंथ भी है हमारे पास और ब्रेथ भी है, तो एरिया निकाल लो यहीं पे, ठीक है ना? देयरफोर एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल मल्टीप्लाई मत करना, केवल लिख के छोड़ दो, एल इंटू बी हो गया, मतलब फिगर्स लिख के छोड़ दो, मल्टीप्लाई मत करना, 106 इंटू कितना हो गया? 60 मीटर का, इसको मल्टीप्लाई मत करना। क्यों? क्योंकि अभी जब अपन माइनस करेंगे तो 106 कॉमन आएगा, क्योंकि उसकी लेंथ भी 106 है, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ भी 106 है, तो हम कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे, दो बार बड़े बड़े प्रोडक्ट क्यों करें अपन, है ना? चलो ये तो हो गया इनर रेक्टेंगल का काम। नाउ
नाउ लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल बताना कितनी होगी, क्या 106 सेम लेंथ तो दोनों की सेम है ना, तो इसको मैं स्मॉल एल का स्मॉल एल ही रहने देता हूँ 106 मीटर। बट जब मैं इसकी ब्रेथ निकालूंगा तो वो ऐड हो जाएंगे, क्या क्या चीजें ऐड हो जाएंगे, ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल विल बी, अब ये अलग है इसलिए इसको स्मॉल लेटर बी नहीं देंगे, हम क्या कहेंगे कैपिटल लेटर बी एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल बी प्लस 2 into width, यस और नो, स्मॉल बी कितना है 60 और 2 into width कितनी थी 10, मतलब width का दुगना ऐड करेंगे ना इसमें क्योंकि 10 ऊपर भी और 10 नीचे भी है, 60 plus 20 तो ये हो जाएगा मेरा 80 meter। तो आउटर रेक्टेंगल की भी लेंथ एंड ब्रेथ आ गई, तो इसका भी एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, फॉर्मूला क्या बनेगा आउटर रेक्टेंगल l into कैपिटल बी, लेंथ तो सेम है लेकिन ब्रेथ बढ़ चुकी है इसकी, तो लेंथ तो वही है 106 मीटर ब्रेथ कितनी है इसकी 80 मीटर स्क्वायर। किसी ने भी क्वेश्चन रीड किया नहीं किया, एरिया पूछ तो रहेगा वो, क्या हम यू निकाल रहे हैं पूछेगा द डिस्टेंस, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने रीड ही नहीं किया, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर रेंज, अगर कोई रनर जो है अंदर से अंदर वाली एज पे भागे, अंदर से अंदर एज पे भागे तो वो टोटल रेसिंग ट्रैक में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, रिया कहां ध्यान बोलो कहां ध्यान, क्या कहा मैंने, क्या था क्वेश्चन नंबर 1, we have to find the distance around the track along its inner edge, भाई कोई मान लो रनर यहां से भागता है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है आउटर से आउटर भाग रहा है, बीच में से भाग रहा है, और जो अंदर से अंदर भाग रहा है वो थोड़ी सी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपसे क्या पूछिए इनर एज पे अगर कोई भागे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो इनर एज पे अगर वो भागेगा तो एक तो ये इनर पैरेलल लाइन की लंबाई जोड़े, ये दोबारा इनर पैरेलल लाइन की लंबाई जोड़े, फिर ये क्या है, ये चीज क्या है, ये है सर्कमफ्रेंस, किसका सेमी सर्किल का, इधर भी ये क्या है सर्कमफ्रेंस, ये सर्किल के चारों तरफ दौड़ोगे तो सर्कमफ्रेंस दौड़ रहे हो, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सेमी सर्किल दो बार ऐड होगा और लेंथ ऑफ इनर पैरेलल लाइन भी दो बार ऐड होगी, ये जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस होगा अगर कोई रनर अंदर से अंदर भागे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वो था लेकिन हमने अब एरिया निकाल दिया तो कोई बात नहीं, एरिया को सॉल्व कर लेते हैं, जरूरी नहीं है जब अपने को नहीं आ रहा हो तो जरूरी नहीं है, जब आ रहा हो तो पहले वाला वो वाला कर लेना चाहिए, अभी तो अपन मिस कर गए क्वेश्चन पढ़ा नहीं अपन ने, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर बी था कि एरिया ऑफ द ट्रैक, ये था एरिया ऑफ द ट्रैक ऑफ द रेसिंग ट्रैक, बोलो एरिया, नहीं अभी तो एरिया में और काम है भाई, रुको, ये तो केवल रेक्टेंगल आया है अभी बाजू में तो जोड़ी नहीं हमने, जैसे अपन ने एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्किल और एरिया ऑफ इनर, तो उनका एरिया निकालने के लिए पहले तो रेडियस क्या होती स्मॉल आर कैपिटल आर क्या वो निकालना पड़ेगा, नाउ सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो डायमीटर होगा किसका इनर सेमी सर्किल का वो कितना होगा पता चलता है कोई, 60, वेरी गुड, इनर सेमी सर्किल का डायमीटर क्या होगा 60 मीटर होगा, इसको मैं स्मॉल लेटर टी से क्योंकि इनर है तो स्मॉल लेटर टी से काट कर चुका हूं, सो तो रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्किल हो जाएगा मेरा, इसको स्मॉल आर से डिनोट करा देते हैं, वैल्यू हो जाएगी डी बाय टू यानी कि 60/2 यानी कि 30 मीटर, इसको समझ नहीं आया हो ये स्टेप देखो, इनर सेमी सर्किल कौन सा है, दिस इज द इनर सेमी सर्किल, ये वाला पोर्शन इनर सेमी सर्किल है, तो इसका ये जो डायमीटर है ये 60 तो है गिवन है ना, ये अपने को गिवन है, ये इनर सेमी सर्किल का डायमीटर है कितना गिवन है 60, तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे यहां से लेके यहां तक 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, अब आउटर सेमी सर्किल का डायमीटर ये होगा पूरा,
कितना 80, ये 80 होगा तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पहुंचे? रेडियस ऑफ इनर सेमी सर्कल तक पहुंच गए, तो हल लगे आप इसका एरिया निकाल लो। एरिया आर, स्मॉल आर कर दिया, कैपिटल आर कर दिया, एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? फुल सर्कल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी है मतलब आधा है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो या पाई आर स्क्वायर को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कैसे भी कर दो। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 30 × 30 डिवाइडेड बाय 2, बस सॉल्व नहीं करना है, मीटर स्क्वायर। और सबको आखिरी में कॉमन लेके करें, तो तीन पोर्शन हो गया, चौथा आखिरी पोर्शन क्या है? आउटर सेंसर, है ना। अगेन तो पहले उसका डायमीटर है ना, डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्कल 80 हो जाएगा, कैपिटल डी से नोट कराओ, डायमीटर ऑफ आउटर सेमी सर्किल कैपिटल डी विल बी इक्वल टू 80 मीटर। तो इससे पहले इसका क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ आउटर सेमी सर्किल, तो कैपिटल आर, क्योंकि आउटर हम सारे कैपिटल में ले रहे हैं, कैपिटल डी बाय 2 दैट इज इक्वल टू 80 बाय 2 यानी कि 40 मीटर। तो रेडियस आ गया, तो लगे हाथ निकाल लो उसका भी, एरिया ऑफ आउटर सेमी। फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, स्मॉल आर नहीं, आउटर है ना इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 40 × 40 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट? अब अपन पोजीशन में है, किस पोजीशन में कि अपन एरिया निकाल सकते हैं ट्रैक का, ना। तो क्वेश्चन नंबर बी देखो, नाउ एरिया ऑफ द ट्रैक, बोलो क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या माइनस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल माइनस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो बोलिए, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक, एक चीज कोई तो मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं, एक काम तुमको ये करना, प्लस अब अगल बगल की जो घुमावदार रेसिंग ट्रैक है वो अलग ही निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? आउटर सेमी सर्कल में से इनर सेमी सर्कल हटाना पड़ेगा, और ऐसे एक बार नहीं दो बार हटाना पड़ेगा। तो आई विल राइट दो गुना व्हाट? एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी विदाउट सर्कल भी यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है ना भाई, एरिया ऑफ सेमी, देखो यहां पे मैंने आउटर वर्ड भी लगाया, समझ में आ गया ना। आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद आउटर सेमी सर्किल में से इनर सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे, और उसका 2 टाइम्स भी करना पड़ेगा। ये कि यही चीज एक बार फिगर में देखो कहां कहां है, लास्ट टाइम बता रहा हूं, देखो आउटर रेक्टेंगल का है, दिस इज माय आउटर रेक्टेंगल, ये आउटर रेक्टेंगल है, इस आउटर रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो ये पूरा होगा, सारा एरिया काउंट हो गया इसमें। इसमें से अगर मैं ये इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं, जो बीचों बीच पोर्शन है ये वाला एरिया अगर माइनस कर दूं, तो बचा हुआ एरिया ये मिलेगा मुझे, एक तो ये वाली डंडी मिल जाएगी ऊपर की, और एक ये वाली डंडी मिल जाएगी, इतना तो मिल गया। अब ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तो एक साइड का अगर मैं निकालूं, तो आउटर सेमी सर्किल, ये आउटर सेमी सर्किल है पूरा, इसमें ये पूरा एरिया काउंट है, इसमें से इनर सेमी सर्किल दैट मीन्स ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो फिर कौन सा एरिया मिलेगा?
यानी कि एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल माइनस करेंगे तो ये एरिया मिलेगा, और ऐसा का ऐसा एरिया इधर भी है, इसलिए उसका दो गुना भी करना पड़ेगा। तो जो चीज हमने लिखी हो फिगर में समझ में आ गई सबको, बस अब वैल्यूज पुट अप करो और आंसर है, और वैल्यूज में भी मैक्सिमम चीजें कॉमन आ जाएंगी। चेक करते हैं, अब बताते जाओ एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल क्या लिखा था हमने, 106 इनटू आउटर, आउटर के लिए 80 लिखा था, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल क्या लिखा था, 106 इनटू 60 लिखा था, ये तो एक बात हो गई। प्लस दो गुना किसका करना है, आउटर सेमी सर्किल का एरिया क्या था, 22/7 इनटू 22 इनटू, अच्छा पाई की वैल्यू कितनी करी अब तक, चलो तो एक बार पाई लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो पाई इनटू 40 इनटू 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस फिर इनर सेमी सर्किल का एरिया पाई इनटू 32। अगर आपको ऐसे नीचे ऊपर समझ में नहीं आया तो ये लो मैं सामने लिख देता हूं, आपको कॉमन लेने में आसानी होगी, पाई इनटू 30 इनटू 30 डिवाइडेड बाय 2। चलो पहले तो मुझे बताओ तो रेक्टेंगल में से क्या-क्या कॉमन आया, 106 दोनों में आ रहा है, ये 106 मीटर इसमें की 106 लेंथ कॉमन थी दोनों की, तो मैं 106 को कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 80 माइनस, कैलकुलेशन आसान हो गई, इधर आ जाओ 2 into 2 into तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो क्या-क्या कॉमन, एक तो पाई कॉमन है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 भी कॉमन है, तो मैं पाई डिवाइडेड बाय 2 नीचे कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या बचा 40 into 40 यानी कि 1600 और 30 into 30 यानी कि 900। आपने गौर नहीं किया अभी 10 into 10 और कॉमन आ रहा था, पर चलो कोई बात नहीं, देखो पाई में भी है, पाई में भी है डिवाइडेड बाय 2 में भी डिवाइडेड, तो 40 और 30 में से एक 10 कॉमन आ जाता, 40 और 30 में से 10 into 10 कॉमन आ रहा था, पर चलो नहीं लिया कोई खास बात नहीं, अंदर बस गया वो 1600 माइनस 900। सॉल्व करो तो काफी आसान हो गया कैलकुलेशन, तो 106 into 20 हो गया, ये तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, अब पाई की वैल्यू भी पुट अप कर दो जरा, 22/7 और 1600 माइनस 900 क्या होता है 700, ये लो ये भी 7 से गया, 100 टाइम्स 106 into 20 is equals to 2612 2120 रुपए प्लस 2200 रुपए 2122 4320 मीटर स्क्वायर आंसर। मैथ करो कुछ थोड़ा, होल्ड ऑन, ये केवल एक आधा क्वेश्चन है, इसका सेकंड फर्स्ट पार्ट बाकी है, बट वो ज्यादा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा, कैलकुलेशन काफी इजी बनेगी। ठीक है हो गया आंसर, सबका नोट डाउन हो गया, रिया नोट डाउन हो गया फिर मैं समझाऊंगा, इधर देखेंगे उसने क्या लिखा है, हो गया पहले मैं टाइम दे रहा हूं, कर लो कुछ बचा हो गया। ठीक है अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग विद सिंगल एज, अरे मैं कहता हूं आप बिना पेन उठाए केवल उसको एनालाइज करके बता सकते हो पहले का आंसर, इनर से इनर भागना है ना आपको, देखो यहां से स्टार्ट करेगा सब कुछ, करो शिवम दो गुना, सबसे पहले 106 भागेगा, थक जाएगा यहां रुक जाएगा पानी पिएगा, फिर ये भागेगा तो ये क्या है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का भी आधा सेमी सरकमफेरेंस कह सकते हैं इसको, तो सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो उसका आधा क्या होगा केवल पाई आर, केवल पाई आर, तो पाई आर ये जोड़ लिया वापस 106 और आएगा ये यहां से देखिए यहां तक, ठीक है, और फिर वापस इनर सरकमफेरेंस यानी पाई आर, तो अगेन पाई आर प्लस पाई आर क्या हो गया 2 पाई आर वापस हो गया, ठीक है बस ये ऐड करना है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ए पार्ट डिस्टेंस अलोंग द इनर एज, अलोंग द इनर एज समझते हो ना, एज होता है किनारा, इनर किनारे की तरफ किनारे किनारे पे भाग रहा है वो अंदर वाले किनारे किनारे की तरफ है ना, इनर एज ऑफ द ट्रैक दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स तो हो जाएगा 106 राइट, प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा वो 2 पाई आर का हाफ, 2 टाइम्स हो जाएगा वो 2 पाई आर का हाफ, और रेडियस भी अंदर वाला ठीक है। चलो आप एक काम करो 106 को भी इधर एल लिखो तो सबकी वैल्यू एक साथ पुट अप करेंगे, चलो 2 इनटू 106 प्लस ये 2 से 2 कट गया 2 इनटू 22/7 और रेडियस कौन सा, अंदर वाली रेडियस कितनी थी, अंदर वाली रेडियस कितनी थी 30, ठीक है
कुछ कॉमन आ रहा है क्या? टू ही तो कॉमन आ रहा है, कर दो आपको मल्टीप्लाई करके 106 तुम्ही 212 प्लस इधर कुछ कट नहीं रहा है 44 इनटू 30 करना है 320 बाय 7 7 का एलसीएम ले लो 14 क्या उसे डिवाइड हो रहा है अभी भी आ जाए 4 8 2 10 4 4 8 2 8 0 4 upon 7 most probably इसी फॉर्म में होगा आंसर पीछे देखो एक बार यही है और पॉइंट में निकालना चाहो तो 7 4 28 0 0 point 40 बन गया 7 5 35 50 बन गया 7 49 मीटर अप्रॉक्स मीटर स्क्वायर मत लिखना है क्योंकि डिस्टेंस दोनों में से किसी एक का आंसर क्यों एरिया है मीटर स्क्वायर किसमें लिखते हैं मीटर स्क्वायर किस चीज का यूनिट होता है ये लंबाई है तो कितना दौड़े आप ठीक है 400.57 इतना लगभग मीटर है इनर एज अगर आप 400 मीटर है ना आधे किलोमीटर से थोड़ा सा क्लियर है समझ में आया तो इसको क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो प्लस इससे काफी कुछ अगले चैप्टर की राह से खुल जाता है अगले चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना है कोण को सिलेंडर में डालना है सिलेंडर को स्फीयर से निकालना है स्फीयर का पानी बाल्टी में डालना है ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तो ये यहाँ से इसके रास्ते खुलेंगे जो बच्चे किसी ने भी याद नहीं दिलाया ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है आपको हाँ कोई है ही नहीं नहीं शुरुआत में तो थे सेकंड मीटिंग में नहीं है ओके एनीवेज समझ में आया सबको तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम चलते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं नाइन्थ का हाँ ये छोटा सा क्वेश्चन है जल्दी हो जाए कोई बात नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 9 देखो इन फिगर 12.27 दिख रहा है ये वाला क्या बयान है कि इजी सा फिगर है एक सर्किल बनाओ सर्किल के बीचों बीच एक प्लस का निशान बनाओ और फिर इस वाले साइड में तो ट्रायंगल बना दो और इस वाले साइड में सर्किल बना दो अगेन छोटा ठीक है जल्दी करो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए सर्किल लाइक दिस फिर प्लस का निशान बीचों बीच लाइक दिस एंड लाइक दिस हो गया उसके बाद राइट साइड पे तो ट्राइंगल खींचना है ऐसे एंड ऐसे और लेफ्ट साइड में क्या बनाना है सर्किल बनाना है अगेन ट्राइंगल से टच नहीं हो रहा मतलब इस डायमीटर से टच हो रहा है थोड़ा सा कम कर दो ठीक है कुछ ऐसा है हाँ डायगोनल से तो टच है ना कह रहा हूं मैं ये टच है बिल्कुल ये सेंटर ठीक है क्लियर है इस तरह का फिगर है पढ़ते हैं क्वेश्चन रीड आउट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सॉरी ये थोड़ा है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स देखो ए बी दिख रहा है आपको एंड सी डी ये तो है ए बी और ये सी डी ये दो डायमीटर हैं बड़े सर्किल के ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ उसका सेंटर क्या है ओ है परपेंडिकुलर टू ईच अदर अच्छा ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है दैट मींस ये एंगल क्या है 90 डिग्री एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल अच्छा अगर छोटे सर्किल की बात करें तो उसका डायमीटर क्या है ओ डी ये ओ डी छोटे वाले का है इफ ओ ए बराबर 7 ओ ए ओ से लेके ए अगर 7 है तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस पोर्शन का एरिया चाहिए ये वाला और ये पूरा सर्किल अच्छा छोटे वाले सर्किल का एरिया तो काफी आसानी से आ जाएगा मोहित एक बार बाहर जाओ बुलाने आया कोई आपको बुलाने हैं हाँ जी देखो इस वाले सर्किल का एरिया कैसे निकालेंगे हम इसका रेडियस चाहिए इसका रेडियस पता नहीं है लेकिन इसका डायमीटर जरूर पता है क्यों क्योंकि अगर OA
अगर ओ ए सात है तो ओ बी भी सात होगा, ओ सी भी सात होगा और ओ डी भी। तो अगर ओ डी सात है तो ओ डी इसका डायमीटर ही तो है, तो अगर इसका डायमीटर सात है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सात का आधा। नहीं आया निहारी का समझ, एक बार फिर से। ये ओ ए जो है ये सेवन है, ये ओ चुप हो जाए बिल्कुल, ये ओ बी भी सेवन, ये ओ सी भी सेवन और ये ओ डी भी सेवन होगा। भाई एक सर्किल में अगर दो डायमीटर खींचते हो तो ये चारों लेंथ बराबर नहीं होंगी क्या, चारों रेडियस ही तो हुई। तो उसने कह रखा है कि ओ ए जो है वो है सात सेंटीमीटर, तो उसने इनडायरेक्टली क्या कह रखा है, ये ओ ए क्या है, ये ओ ए है रेडियस ऑफ आउटर सर्किल या बिगर सर्किल है या नहीं है, ये बिगर सर्किल की रेडियस ही तो है एक तरीके से सात मीटर। तो जो बिगर सर्किल की रेडियस है वो छोटे सर्किल की डायमीटर है या नहीं है, तो छोटे सर्किल की रेडियस कैसे निकाल लेंगे, उस डायमीटर का आधा। तो अगर ये सात है तो सात का आधा कितना हो जाएगा, सेवन बाय टू या 3.5 जैसे भी लिखो। तो इस सर्किल का एरिया तो काफी आसानी से हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं सर ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, बताओ तो कैसे निकलेगा, इस सेमी सर्किल के एरिया से, इस सेमी सर्किल के एरिया से अगर मैं ये बीचों बीच जो ट्राइंगल है इसको उड़ा दूं तो बचा हुआ एरिया होगा। अब सेमी सर्किल का एरिया काफी आसानी से आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, क्या सेगमेंट का एरिया निकाल लो चाहे से, पर सेगमेंट के एरिया का फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा, सेगमेंट के एरिया का दुगना करना पड़ेगा। अब आप सुनो, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये एंगल 90 है, तो अगर ए बी को बेस मान लें तो ओ सी इसकी हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, बेस तो ले लो ए बी को और हाइट ले लो ओ सी को। ए बी की वैल्यू भी है आपके पास सात और सात चौदह, और ओ सी की वैल्यू भी है सात, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इजी वे में ट्राइंगल का एरिया निकल गया, सेमी सर्किल के एरिया से क्या कर दो माइनस। तो सेगमेंट से भी थोड़ा आसान तरीका हो गया ये, चलो शुरू हो जाओ। क्या हम बच रहे हैं उनसे, कोशिश कर रहे हैं बचने की, अभी आगे क्वेश्चंस में लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो बताओ इनको मार्किंग करो क्या क्या ये, ए बी, ए बी, सी इधर है क्या, राइट साइड में सी डी और सेंटर पे ओ, ये सेवन मीटर है तो ये भी सेवन मीटर, तो ये भी सेवन मीटर, तो ये भी ओ डी भी कितना, सेवन मीटर, ठीक है, चारों सेवन सेवन मीटर के हो गए। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई, तो मार्क कर देना ऐसे पर ओ यहां डाल। हेयर इट इज गिवन दैट सबसे पहले रेडियस ऑफ बिगर सर्किल गिवन है, उसको कैपिटल आर से डिनोट करा देते हैं, ठीक है। कितना है, सेवन मीटर, ठीक है। दैट इज, अब रेडियस ऑफ बिगर सर्किल इस फिगर के हिसाब से क्या क्या है, ओ ए भी है, ओ बी भी है, क्या अच्छा सेंटीमीटर है, ठीक है, सबको सेंटीमीटर करो, सेंटीमीटर 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 एंड सेंटीमीटर। तो ओ सी भी है और ओ डी भी है, सेवन सेंटीमीटर हो गए चारों लेंथ, ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ बिगर सर्किल हो गया आर, सेवन सेंटीमीटर। सो डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल, डायामीटर ऑफ स्मॉलर सर्किल क्या है, छोटे सर्किल का डायमीटर क्या है बोलो, उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूं, क्या है वो ओडी है ना, चेक करो फिगर में, छोटे सर्किल का डायमीटर ओडी है और ओडी की वैल्यू अभी ऊपर से लिखी हमने कितनी है, तो इसका भी रेडियस लगा निकाल लो, लग गया क्योंकि डायमीटर से जहां भी डायमीटर गिवन है अगला पॉइंट ही होता है कि रेडियस निकालो, उसका तो डायरेक्ट ही रेडियस गिवन था लेकिन इसका डायमीटर से रेडियस निकल रहा है, ठीक है। देयरफॉर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, इसको लेटर आर से डिनोट करा देते हैं, क्या वैल्यू होती है, डी बाय टू, यानी कि सेवन बाय टू मीटर, अरे हाँ सेंटीमीटर, ठीक।
क्लियर है यहां तक? छोटे सर्किल का रेडियस आ गया, लगे हाथ क्या निकाल दो, क्या एरिया, छोटे सर्किल का एरिया तो माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया जोड़ना पड़ेगा ना अपने को, जोड़ो। नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल पाई आर स्क्वायर, राइट। अब देखो 22/7 रखते, ये 7 कट रहा है तो फिर काट दो, रेडियस कितना है वही 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 टाइम, 2 से 11 टाइम, 11 इंटू 7 77/2 सेंटीमीटर, अब की बार लगाओ स्क्वायर, स्मॉलर सर्किल का एरिया आ गया। अब क्या चाहिए, ट्राइंगल का एरिया तो चाहिए, उससे पहले बड़े सेमी सर्किल का एरिया चाहिए, है ना, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्किल। तो बिगर सेमी सर्किल, पहले तो सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय टू, और बिगर है तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय टू। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 7 है क्या, तो 7 है तो कट जाएगा, काट दो, 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 इंटू, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी है, ठीक है, समझ में आई ना। देखो ये तो है पाई की वैल्यू, ये हो गया आपका आर स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय 2 भी था, उसको मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, काट दो, 7 7 2 से 1, 2 से 11, 11 7 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब ट्राइंगल का एरिया बचा केवल। नाउ इट इज गिवन दैट diameter AB and CD are perpendicular to each other. Diameters दो है ना, are perpendicular to each other, ये given है, तो अगर दोनों diameter एक दूसरे के perpendicular हैं, that is इसका मतलब क्या हो गया, AB perpendicular हो गया किसके, सीडी के, ए बी परपेंडिकुलर हो गया सीडी के, तो अगर ए बी परपेंडिकुलर हो गया सीडी के, तो ए बी ओसी के भी परपेंडिकुलर होगा, होगा, हाँ, बोतल दो इकट्ठे हो गए आपकी, सो ए बी जो है ओसी के भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, बोलो CAB, बेस के ऊपर वाले पॉइंट से जनरली अपन पढ़ते हैं, बेस अपन ने AB लिया ना, तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा हुआ, C हो गया, CAB। नाउ इन ट्राइंगल CAB जो बेस बनेगा AB, वो तो कितना बनेगा, ट्वाइस इंटू OA, OA का दुगना बनेगा, या यूं कह दो OA प्लस OB, दोनों साथ साथ हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट बनेगी वो क्या बनेगी, बोलो OC, और वो तो गिवन है ही सही, 7 सेंटीमीटर वैसे भी, तो बेस भी है हाइट भी है, निकाल लो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना आया, 14, और हाइट कितनी आई, 7, 7 टाइम्स कट गया, 7 इंटू 7 कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ निकल गया, आ जाओ। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन, जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है, एरिया ऑफ कहाँ है क्वेश्चन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बोलो क्या क्या ऐड होगा शेडेड रीजन में, क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले तो स्मॉलर सर्किल का एरिया, उसके बाद सेमी सर्किल का एरिया, बिगर सेमी सर्किल का एरिया, माइनस क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं लिख देता हूं स्मॉलर सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्किल, एरिया ऑफ बिगर
सेमी सर्किल माइनस क्या एरिया ट्राइंगल सी ए बी, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एरिया ट्राइंगल सी ए। तो स्मॉलर सर्किल का एरिया कितना था साहब 77/2 ये था क्या, प्लस बिगर सेमी सर्किल का एरिया कितना था सेमी 77 ही था वो तो, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए बी कितना आया है 49। तो इसको सॉल्व कर लो या कैसे भी कर लो, 77/2 को सॉल्व कर लो या तो 38.5 प्लस 77 माइनस करना सॉल्व, अब ऐड करो मैच करो चेक करो जल्दी से। तू बैठ जा बाकी जाओ ठीक है, अब डाउट का तो टाइम ही नहीं बचा। कब आपके पेपर कब है, कितने बजे, कितने बजे 10 बजे है ना, 8 बजे आना सुबह को ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।